हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो जो देखेंगे वो जो मुख्य परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा जो हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं पहले, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनका एक तरीका बताएंगे, एक फॉर्मेट की तरह, मतलब कि क्या क्या इसमें शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को हम इसमें बताएंगे। और ये खास करके बिहार पीसीएस पेपर से संबंधित है। ठीक, इस श्रृंखला में हम करीब पिछले 10-15 साल के पेपर तो हम इसमें देखेंगे ही। कोशिश ये रहेगी कि एक अच्छा और सिंपल तरीका बताएं, जैसा कि मूल्यांकन करते हुए भी हम बताते रहते हैं। मूल्यांकन जब करते हैं तो प्रश्न में गलती रहती भी है और आप लोग उसको सही ढंग से प्रश्न समझ भी नहीं पाते, पूछा कुछ जाता है, लिखते कुछ और है। कभी फॉर्मेट की डिमांड की जाती है, तो फॉर्मेट क्या, हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको अच्छे से बता देते हैं क्या क्या उसमें लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये सब चीज़ हम बताते हैं। फिर भी वो एक फॉर्मेट की तरह ही होता है। इसमें भी हम एक फॉर्मेट ही बताएंगे। ये ऐसा रहेगा कि आप उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, किन को छोड़ेंगे, और सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अगर हम प्रश्न को नहीं समझते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि कुछ का कुछ लिखेंगे, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, तो अर्थ का अनर्थ ना हो इसीलिए ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप समझें प्रश्न को अच्छे से, और फिर प्रश्न की डिमांड के अनुसार ही आप अपना उत्तर लिखें। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप लोग भी सहमत हों और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, साथ में आप उसी अनुसार अपना प्रश्न लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। जैसा कि पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस, ये तो नहीं आया हुआ है पेपर में, ये अपनी तरफ, हमारी तरफ से हमने ही बनाया है इसको। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित याचिकाओं की व्याख्या कीजिए, इसमें पोस्टमार्टम शब्द की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में वर्णित याचिका, सबसे पहले क्या करना है कि याचिका का परिचय देना है। याचिका का परिचय कैसे होगा कि संविधान में इसका वर्णन जो किया गया है, कहाँ पर किया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों को के अधिकार को ही क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया, हृदय कहा गया है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में याचिकाओं का वर्णन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब हम जब संविधान में वर्णन और इसका महत्व क्या है, इन बातों का जिक्र करेंगे, इनको क्यों लागू किया जाता है। अरे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम ही है, तो अधिकार से ही संबंधित बात होगी, अधिकार का उल्लंघन हो, अधिकार का अतिक्रमण हो, तो आप इस अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे संविधान में उसका वर्णन है, उसका महत्व है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि याचिकाओं के प्रकार, 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। ठीक है, उन 5 प्रकार की याचिकाओं के प्रकार को हम बताते हुए पोस्टमार्टम शब्द का तात्पर्य बताएंगे। पोस्टमार्टम होता क्या है भाई, किसी भी
मामले की तह तक जाना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, पोस्टमार्टम ही है। तो पोस्टमार्टम का जो महत्व है वो क्या है और क्यों है, तो इसमें हम जब बात करेंगे तो पोस्टमार्टम का तात्पर्य बताएंगे, उसके बाद हम इसके महत्व को याचिका के साथ जोड़कर बताना होगा। तो उसमें जब हम बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार पृच्छा को वारंटो बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को पोस्टमार्टम कहा गया है। तो अधिकार पृच्छा क्या है भाई, उसी अधिकार पर पृच्छा को लेकर हम सारी बात बताएंगे फिर, ठीक है। पोस्टमार्टम शब्द की महत्ता को अंगीकार कर देंगे, मतलब लिख डालेंगे, पूरा व्याख्यायित कर देंगे। फिर अंत में जाते हुए हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, तो आप अपना निष्कर्ष बताते हुए अपना उत्तर समाप्त करेंगे इस वाले प्रश्न में। इसके आगे दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है वो है बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न हमने ग्रुप में दिया भी था, कई लोगों ने लिखा, समीक्षा करनी थी विशेषता की, उसमें बिरसा आंदोलन फिर उसकी भूमिका ठीक बताई जाती है, ठीक है, उसका कारण बता रहे हैं, फिर उसका परिणाम बता रहे हैं। तो कारण परिणाम नहीं पूछा जा रहा है इसमें, विशेषता पूछी जा रही, विशेषता की समीक्षा पूछी जा रही, समीक्षा करी है ना। तो बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, तो मैं इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो बिरसा आंदोलन की का एक परिचय देना होगा। परिचय देते हुए क्या करेंगे, इसकी विशेषता बता देंगे, और विशेषता बताएंगे पहले बाद में हम समीक्षा करें ऐसा नहीं है, विशेषता के साथ साथ हम इसकी समीक्षा भी करते चलेंगे। और जैसे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं एक फॉर्मेट के रूप में, तो जैसे एक सुधारवादी प्रयास था, तो सुधारवादी प्रयास का क्या मतलब भाई, यह एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हो, जैसे नैतिक आचरण की शुद्धता आत्म सुधार पर इसने बल दिया था, है ना, अंधविश्वास की जकड़न से निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण इसने योगदान भी दिया। फिर धार्मिक स्थिति में परिवर्तन, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन कैसे, एकेश्वरवाद का बिरसा ने क्या किया, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, है ना, तो अनेक उसके अनुयायी जो थे वो अनेक देवी देवताओं को छोड़कर क्या किए, वो एक ईश्वर, और एक ईश्वर कौन, उनके सिंह बोंगा, उनको मानने लग जाते हैं, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन है। फिर राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ है, तो ये क्या है भाई, इसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया था, और अपने अनुयायियों को क्या किया, बिरसा ने बोला कि सरकार को टैक्स या लगान ना दिया जाए, उसके उपदेश से लोग इतने प्रभावित भी हुए कि उसकी बातों को माने और लगान देना बंद कर दिए वो लोग। इसी आदर्श के अनुरूप क्या हुआ, अनुरूप आदर्शों के अनुरूप आदर्श मुंडा समाज की स्थापना भी करना चाहते थे लोग, जहाँ पर लोग शोषण और अत्याचार के बिना सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा भाई, चौथा पॉइंट जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन है, कैसे है कि परंपरागत रूप से मुंडा समाज जो था आत्मनिर्भर था, अपनी ज़रूरत की लगभग हर चीज़ें उत्पादित कर लेता था, बाहरी दुनिया पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्ना के बराबर निर्भर होता था। लेकिन मुंडा जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद उनकी यह सामाजिक व्यवस्था कैसी हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। इसी सामाजिक व्यवस्था से वो काफ़ी व्यथित थे, और आंदोलन जो हुआ वो इस व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था भाई, वही है सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन,
आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कैसा होगा कि जनजातीय मुंडा समाज में अंग्रेजी शासन की स्थापना के पश्चात इन क्षेत्रों में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा आई। अब उस जमींदारी प्रथा को भी बदलना है तो इन्होंने आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव लाना चाह रहे थे ये लोग। फिर निजी भूस्वामित्व की शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध था ये। वो कैसे था भाई, परंपरागत रूप से यहाँ पे खुटकुटी व्यवस्था प्रचलित थी। ये क्या है, तो ये है सामूहिक भूस्वामित्व से संबंधित व्यवस्था है खुटकुटी व्यवस्था। इसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया तो निजी स्वामित्व पर आधारित हो गई है, तो उसी शोषणवादी व्यवस्था को ये बदलना चाहिए, उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। फिर प्रशासन के विरुद्ध भी आंदोलन किया इन्होंने। प्रशासन के विरुद्ध कैसे कि 1806 में अंग्रेजी प्रशासकों ने क्या किया था, जमींदारों को पुलिस के सभी अधिकार दे दिए थे। दीकू जो बाहरी लोग हुआ करते थे उनके द्वारा मुंडा जनजातियों का शोषण भी किया जा रहा था लगातार। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ कि अंग्रेजी साम्राज्य की मौन स्वीकृति, अंग्रेजी साम्राज्य ने इस पर पूरी तरह से मौन धारण कर रखा था, तो इस बात को बदलने के लिए क्या किए, अपनी आवाज़ ऊंची किए। ठीक, फिर क्रांतिकारी आंदोलन था भाई। क्रांतिकारी आंदोलन था तो क्या मतलब कि 1895 तक क्या हुआ, अथक प्रयास ने इसमें 6000 समर्पित मुंडा नौजवान एक दल बन गया। और ये क्यों इकट्ठा हुई, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को समाप्त, प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए और बाहरी लोगों को मुंडा क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन का रूप अख्तियार किया। इसके अलावा फिर गरीबों गैर आदिवासियों के प्रति इन्होंने सहानुभूति भी दिखाई है ना। वो कैसे दिखाई इन्होंने, स्पष्ट हिदायत दी थी इन्होंने कि गरीब गैर आदिवासियों पर हाथ ना उठाया जाए भाई, आंदोलन सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि उनके इस निर्देश को मानते हुए आंदोलनकारियों ने किसी भी गरीब गैर आदिवासी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बिरसा आंदोलन, जब ये लोग किसी गरीब गैर आदिवासियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया तो उनकी सहानुभूति इनको मिली ना, फिर अलग मैटर है कि बिरसा आंदोलन असफल रहा लेकिन उसके परिणाम जो थे वो बहुत दूरगामी हुए। 1903 में देखा जाए काश्तकारी संशोधन अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, पहली बार मुंडाओं के खुटकटी व्यवस्था भू अधिकार को मान्यता देने के लिए लाए गए। और ये आंदोलन क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी के लिए दमनकारी सत्ता के विरुद्ध हार ना मानने की प्रेरणा स्रोत बन गए। आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं, हालांकि बिरसा आंदोलन विफल रहा किंतु इसके परिणाम भी दूरगामी हुए। इस आंदोलन के पश्चात सरकार ने 1903 में काश्तकारी संशोधन अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 द्वारा पहली बार मुंडाओं के खुटकटी व्यवस्था और भू अधिकार को मान्यता दी गई। दूरगामी अधिकार प्रभाव दिखा। इसके अलावा क्या हुआ कि यह आंदोलन आने वाली पीढ़ी के लिए दमनकारी सत्ता के विरुद्ध हार ना मानने की प्रेरणा का स्रोत बना रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपना प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं इसके आधार पे। अगला प्रश्न देखते हैं, पांच ही प्रश्न आज हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट करना है इसमें। तो कैसे था भाई, सबसे पहले तो अब चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था ये। इस प्रश्न में आप में से कई लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ अधिवेशन, इन सब की पूरी चर्चा कर दी पूरे प्रश्न में, जो कि नहीं करनी थी भाई। इसमें कुछ और पूछा जा रहा है ना, निर्णायक मोड़ कैसे था वो बताइए ना इसको, जो आने वाले आंदोलन हुए उनके लिए क्या सीख दिया इसने, इस आंदोलन ने, इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि जो आगे आने वाले आंदोलनों में उनको आजमाया भी गया, उस बात को बताना है यहाँ पे। ठीक है, वो सबको पता है
किसने गांधी जी को बुलाया, कौन से अधिवेशन में मुलाकात हुई थी, कब गांधी जी पहुँचे, कहाँ पर वो गए, कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या किए, वो सबको पता है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था चंपारण सत्याग्रह, तो हमें यही बात करनी है कि कैसे, किस प्रकार से इसने आने वाले आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने आप को साबित किया। तो इसमें सिंपल सा है कि चंपारण सत्याग्रह का एक छोटा सा परिचय देना है, किस मामले में था, तिनकटिया प्रथा क्या थी, ये भी बता सकते हैं। फिर गांधी जी कैसे उसमें क्या किए कि उनके प्रयास से ये मामला शांत हुआ, ये सब बताते हुए फिर ये भी बताएंगे कि इसके माध्यम से किस प्रकार गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने और स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा मिली, तो वो किस प्रकार से मिली, वो चीज़ इसमें बतानी है। तो इसमें क्या है भाई, सबसे पहले पॉइंट होगा सविनय अवज्ञा कि गांधी जी जब वहां पहुंचते हैं तो क्या लाठी चलाते हैं, मारपीट तो करते नहीं, उनको रोका गया तो लेकिन वो मना कर दिए, है ना। सविनय ने मना किए कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम आएंगे जरूर, तो सविनय अवज्ञा पहला पॉइंट बन जाएगा कि गांधी जी का आगमन और सरकार के आदेश की अवहेलना हुई। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, सत्याग्रह का पहला प्रयोग था ये और सफल प्रयोग था भाई, और इसमें हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंदोलन के बाद जांच कमेटी का गठन भी किया गया, फिर सरकार का निर्णय वापस लिया गया, अवैध वसूली की वापसी कर दी गई। एक बात याद रखना, इसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं हम कि स्वतंत्रता आंदोलन वास्तविक अर्थ में जन समस्या निराकरण से जुड़ा है ना। फिर शोषित वर्ग की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उठी वो, फिर और जो आने वाले समय में जो आंदोलन होने वाले थे उनके लिए क्या हुआ, ये एक प्रेरणा स्रोत बना। कैसे बना भाई, कि बहुत सारे किसान आंदोलन हुई, खेड़ा हुआ, अवध हुआ, इसके साथ इन किसान आंदोलनों का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया भी। अब ये निर्णायक मोड़ था, अब आपने ये सब चीज़ें बताई तो अंत में एक निष्कर्ष भी देना ज़रूरी है कि इस प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें पूरा करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संथाल विद्रोह पर है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, कारण परिणाम भी पूछा गया है संथाल विद्रोह का, उसकी गति वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि लगभग 6000 लोग इकट्ठा होते हैं और देखते ही देखते वो 60000 की संख्या में पहुंच जाते हैं, वो लोग साहूकारों के घरों को जलाते ही हैं, साथ में दीवानी के उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जला देते हैं जो उनसे संबंधित थे। तो उसकी गति भी बतानी है, फिर परिणाम क्या हो रहा है कि अलेक्जेंडर और थॉमस दो लोग हैं, उनके नेतृत्व में सेना ने क्या किया, विद्रोह को दबाया और उसके बाद इन्होंने सिद्धू को पकड़ कर उनको मार डाला, है ना। यही तो चीज़ें इसमें बतानी है। तो फिलहाल हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संथाल विद्रोह के बारे में बता देंगे। संथाल परगना क्षेत्र जो कि दामने कोह नाम से भी जाना जाता था यहाँ पे लिखेंगे, में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था संथाल विद्रोह। इसके नेता भी हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, है ना, ये सब लोग, इनका भी वर्णन कर सकते हैं भाई परिचय में। अब कारण बताइए, कारण क्या है, तो कारण भी अलग से बताना पड़ेगा। लगान और कर में वृद्धि थी, बाहरी लोगों का संथाल क्षेत्र में प्रवेश हो रहा था, प्रशासन की उदासीनता थी, फिर तात्कालिक कारण भी था इसमें। तात्कालिक कारण क्या था कि एक साहूकार था, उसने दरोगा की मदद से संथालों की गिरफ्तारी करवा दी, ये तात्कालिक कारण हो गया इसका। तो गति क्या है भाई,
गति के रूप में देखेंगे कि भगनी डीह में 400 गांव के लगभग 6000 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। कब? 30 जून 1855 को। लेकिन देखते ही देखते उनकी संख्या 60000 के करीब हो गई है। तो क्या होगा? तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने साहूकारों के घरों को तो जलाया, साथ में उन दस्तावेजों को भी जलाया जो कि उनके गुलामी के प्रतीक बने हुए थे। अंत में फिर वही है कि अलेक्जेंडर और थॉमसन इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी गई। एक बार इन लोगों ने अंग्रेज़ों को हराया भी था, लेकिन दूसरी बार सेना भेजी गई अलेक्जेंडर थॉमसन के नेतृत्व में। तो सेना ने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया और सिद्धू को पकड़कर मार डाला। ठीक, अब परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम देख लें तो परिणाम के रूप में संथाल परगना का गठन कर दिया जाएगा, नॉन रेगुलेशन जिला की घोषणा होगी, है ना? नॉन रेगुलेशन जिला की घोषणा होगी। तो नॉन रेगुलेशन जो जिला है वो 1856 के 37वें अधिनियम के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। फिर इसके अलावा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। माझी व्यवस्था फिर से बहाल हो गई। माझी व्यवस्था क्या थी? कि संथालों के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए माझी व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता दे दी गई, ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दे दिया गया। जनधन की हानि तो हुई ही थी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी 15,000 संथाल मारे गए थे इसमें, कई पुलिस अफसर साहूकार भी मारे गए थे। संथाल गांव को सेनाओं ने लूटा भी, उन्हें आग के हवाले भी कर दिया। कुल मिला के अगर अंत में एक निष्कर्ष अगर हम देना चाहेंगे तो हम इस तरीके दे सकते हैं कि कुल मिलाकर संथाल विद्रोह पूरी तरह सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसमें सरकार के दमन के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और हथियार उठाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। छोटा सा निष्कर्ष बहुत है, ठीक है? इतना है, आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। अगला एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करनी है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मामले में नेहरू जी के जो विचार रहे हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे भाई। तो इस मामले में सबसे पहले परिचय पर ध्यान देंगे। परिचय कैसा होना चाहिए? फिर तो परिचय कुछ ऐसा होगा कि आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक नेहरू जी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का के संबंध में पश्चिमी और आधुनिक था। भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को उन्होंने क्या किया? अच्छे से समझा और वे अपने स्वभाव अध्ययन अभिधारणाओं के कारण रूढ़िवाद, सांप्रदायिकता और कट्टरवाद के विरोधी बने। इस तरीके से थोड़ा सा परिचय देना है, फिर उसके बाद हम आएंगे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर कि उनके विचार क्या थे। तो सांप्रदायिकता पर विचार की बात कर लेंगे तो इसमें इसकी उत्पत्ति को एक मध्यवर्गीय प्रपंच मानते थे ये। दूसरी चीज, इन्होंने विभिन्न आयामों की पहचान की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसकी प्रकृति कैसी, इसके लक्षण कैसे हैं, ठीक है? इस तरीके से इन्होंने समझा। फिर ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखने के समर्थ ना रखने के समर्थक थे। जो व्यक्ति सांप्रदायिकता जैसी चीज से संबंध रखे हैं उनसे वो कहते उनका समर्थन नहीं करते थे वो, ठीक है? फिर सांप्रदायिकता का उन्होंने कारण भी बताया। तो कारण जो बताया उन्होंने, किसकी पृष्ठभूमि जो है आर्थिक राजनीतिक रूप से है, ठीक है, आर्थिक राजनीतिक रूप से है। तो स्पष्ट किया उन्होंने कि धार्मिक जो शत्रुता या विरोध ने
सांप्रदायिकता के प्रसार में बहुत ही अल्प भूमिका निभाई थी, लेकिन जो भूमिका मेन थी वो थी आर्थिक और राजनीतिक। उन्होंने निदान भी बताया इसके, सांप्रदायिकता के कैसे निदान बताए कि निदान के रूप में इन्होंने कहा, इन्होंने सार्वजनिक भाषण, रेडियो प्रसारण, निजी पत्र के माध्यम से भारतीय सभ्यता के विविधता में मौलिक एकता की उपस्थिति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता बच रही, तो धर्मनिरपेक्षता पर इनका क्या विचार रहा है? तो उन्होंने, इनका सीधा सा मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है कि वो, उनके विचार अभिनव शिक्षा प्रति थे। ठीक है, इन्होंने जो विशेष रूप से बात की कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संकुचित धार्मिक मतों, अविवेकपूर्ण प्रतिमानों, विखंडन का वादी प्रवृत्तियां जैसी चुनौतियां उपस्थित हैं, तो वहां पे धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक शिक्षाप्रद है, अभिनव वाली है। इन्होंने इसके, इस पे भी विचार अपने दिए। कैसे विचार दिए? कि इन्होंने एक विचार दिया कि बिना किसी धर्म की अनदेखी किए, दूसरे के धर्म की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य बताया इन्होंने। क्या कहा? कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? उसका सही अर्थ ये नहीं है कि आप कि धर्म का त्याग कर दें। ठीक है, लोग अपने धर्म का त्याग करेंगे, यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्म निरपेक्षता तो ये है कि राज्य जो है सभी धर्मों की सुरक्षा करे, लेकिन बिना किसी, मतलब दूसरों की कीमत पर किसी धर्म का पालन पोषण ना करे, है ना, किसी धर्म का अनदेखी ना हो। ठीक है, कोई धर्म हाशियाकरण, किसी धर्म का हाशियाकरण ना हो। तो राज्य का कर्तव्य क्या है? कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दे, उनका पालन पोषण करे, उनकी सुरक्षा करे, सभी धर्मों की। संगठित धर्म का इन्होंने विरोध भी किया है। संगठित धर्म क्या भाई? ये एक अज्ञेयवादी है। ठीक है, अज्ञेयवादी थे जिन्होंने धर्म को एक मात्र एक सांस्कृतिक प्रेरणा और विरासत के रूप में ही स्वीकार किया था। संगठित धर्म के विरुद्ध थे, मतलब कि वो किसी भी संगठित धर्म निरपवाद का रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है, उन्होंने ऐसा बताया, जो अनिवार्यता क्या करता है, प्रगति परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा? नेहरू ने धर्म के राजनीतिकरण का तिरस्कार किया है। तो उन्होंने बताया सामाजिक आदर्श होता है भाई, धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक सामाजिक आदर्श है। तो कैसा है फिर? कि विज्ञान तकनीक के प्रचार प्रसार पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि इस बात पर बल दिया जाए ताकि बुद्धिवादी धर्मनिरपेक्षतियाँ मजबूती प्राप्त कर सकें। ठीक है, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता क्या किया, एक आदर्श के रूप में सामने रखा सबके, और कहा कि समाज में उसके प्रचार प्रसार हेतु तो गंभीरता से कार्य किया जाए। नेहरू की प्रतिबद्धता भी रही धर्मनिरपेक्षता के प्रति। कैसी प्रतिबद्धता है? व्यापक और शर्त रहित है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये चीजें हैं इस प्रश्न के उत्तर में, इनको हम पॉइंट के रूप में शामिल करेंगे, फिर उनकी व्याख्या इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न। इनमें से देखिए, ये वाला नहीं हुआ है अभी, ये चंपारण सत्याग्रह वाला प्रश्न हो चुका है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा वाला भी प्रश्न हो चुका है, ये भी प्रश्न हो चुका है। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न जो ये है आपका संथाल विद्रोह वाला, ये नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को सुन के आप अपना उत्तर सही तरीके से लिख सकते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर सही से लिखिए, वीडियो को सुन लीजिए अच्छे से, इसका एक फॉर्मेट आप खुद तैयार कर लीजिए अपनी कॉपी में नोट डाउन करके, उसके बाद उनका
अपना आप लिख लीजिए और लिख के फिर भेजिए, ग्रुप में ही भेजिए, हमें पर्सनल भेजिए, ग्रुप बंद है तो हमें भेज दिया करिए, ठीक है? वो हम देखेंगे, वो हमारी हेडक है, आपकी टेंशन नहीं है वो, लेकिन वो आप हमें भेज दिया करिए, ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगली वीडियो जो होगी मुख्य परीक्षा संबंधित, ये अब बनाएंगे तब जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना? मान लीजिए आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं तो हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? फालतू टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप लोग उसको सुनेंगे, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो वीडियो आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर वीडियो बंद हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, उसके बाद मिलेंगे जब ये इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, तो ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न को इसी अनुसार फिर लिखिए, लिखना शुरू करिए, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अब अगली वीडियो आप पर डिपेंड करती है, ये हम पहले से नहीं बोलेंगे अगली वीडियो आएगी कल, तो ये बोलना उचित नहीं है, आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा कि वीडियो आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? तो धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से देखिए भैया, पढ़ते रहिए और सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।